इल्जामात लगाऊंगा वो सिर्फ बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी और बीजेपी प्रवक्ता पर होंगे, उन्हीं से जवाब की उम्मीद है, कोई और जवाब ना दे। इमोशनल जलील, रात भर रमजान में राम मंदिर में बैठे रहे, ये दिखाया आपने वीडियो, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप पास वीडियो नहीं होगा, बिल्कुल होगा वीडियो। असीम बकाया आपने अपनी बात रख दी सर, मेरे सवाल का जवाब। चैनल पर गुजारिश करूं जनता से कि तुमको कैराना से डराएंगे वो, जुम करो जुम करो जुम करो, लेकिन तुमको पेट्रोल से डराना मजा आया, वो तुमको मुसलमानों से डराएंगे, तुम उनको डीजल से डराना। क्या बात, ये बात है, वो तुमको कहेंगे कि मुसलमान आ जाएंगे कब्जा कर लेंगे, तुम उनको लाल वाला एलपीजी सिलेंडर लेकर मार देना। कोई है इनके डाइट में ऐसी चीज? कुछ है, कुछ ऐसी चीज है, सीक्रेट है आपका स्वामी जी? नहीं, जिससे जिससे सोच रखते हैं, जिससे इनको ऐसा बोल रहे हैं, कुछ है सर आप छुपा रहे हैं, कोई आप ऐसी चीज भी लेते हैं जिससे आप उल्टी सीधी बातें सोचने लगते हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड के साथ, और आज वीडियो बनाने वाली भाई अगेन आसिफ वकार भाई ने दोबारा से डिस्ट्रॉय किया गोदी मीडिया को, बट इस बार वाली वीडियो में बहुत गंदा रोस्ट किया है। मतलब यार गोदी मीडिया को इस तरीके से रोस्ट भी किया और जिस तरीके से मीम्स एडिट वगैरह किया ना, बहुत फनी होने वाली है वीडियो, तो आई होप आपको मजा आएगा, तो लाइक सब्सक्राइब कर लो एंड एंड तक वीडियो जरूर देखना, वीडियो बहुत फनी होने वाली है एंड लेट्स एंजॉय। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय नंबर वन डिबेट शो आर पार नंबर वन, थोड़ी मर्यादा रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर मैं दो लाइनें जनहित में जारी करना चाहता हूँ, जुम करो जुम करो जुम करो, कि इस चैनल पर जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ, जो सवाल पूछूंगा, जो लांछन इल्जामात लगाऊंगा, वो सिर्फ बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी और बीजेपी प्रवक्ता पर होंगे, उन्हीं से जवाब की उम्मीद है, कोई और जवाब ना दे। इमोशनल डैमेज, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीजेपी के सवाल है तो बीजेपी ही जवाब दे, जनहित में जारी। अमीश भाई सुन लिया आपने? रोएगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा क्या? अब जनहित में जारी सब बीजेपी से। हाँ बिल्कुल, जनहित में जारी, बिल्कुल जनहित में, ये भी जनहित में, ये भी इस पैराग्राफ में ये भी जोड़ लीजिए कि मैं जो बोलूंगा विषय पे बोलूंगा, सवाल पे बोलूंगा। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। बीजेपी हटाओ, महंगाई भगाओ, ये जो आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया सबने मिलकर, जनता ने, पार्टियों ने, उसका नतीजा है कि पेट्रोल के रेट कम होना शुरू हो गए। बात सही है। और बीजेपी हटाओ महंगाई भगाओ, ये इस आंदोलन का नतीजा है कि कैराना आ गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 4.5 साल गुजरने के बाद भी कैराना नहीं आया था, न वहां का पलायन आया था, न वहां के लोग दिख रहे थे, न तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये महंगाई भगाओ, बीजेपी हटाओ, इस आंदोलन का नतीजा ये है। सही पकड़े हैं। तो मैं आपके चैनल पर गुजारिश करूं जनता से कि तुमको कैराना से डराएंगे वो, जुम करो जुम करो जुम करो, लेकिन तुमको पेट्रोल से डराना मजा आया। वो तुमको मुसलमानों से डराएंगे, तुम उनको डीजल से डराना। क्या बात, ये बात है, वो तुमको कहेंगे कि मुसलमान आ जाएंगे कब्जा कर लेंगे, तुम उनको लाल वाला एलपीजी सिलेंडर लेकर मार देना। कुछ भी चली जाए, आइए देखते हैं मजा आएगा। जुम करो जुम करो जुम करो जुम करो, अभी रोक लीजिए, अभी मैं बाबा जी की बात सुन रहा था। अच्छा, ये बढ़िया हो रही है। बता रहे थे कि फला चीन से मिला हुआ है और फला कोरोना स्प्रेडर है। सर पिछली बार जमात को कह रहे थे, इस बार उनको कह रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए आप, मतलब देखिए आप ब्रेन देखिए कितना तेज है, ब्रेन मतलब अंदाजा लगाइए क्या खाते हैं आप बाबा जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चकपाणी जी, हाँ क्या खाते हैं सर? मैं चक्रपाणी यार, इतना ब्रिलियंट माइंड, आप सीधे आपके ऊपर अटैक मार रहे हैं, आप ही अपनी सफाई प्रस्तुत। नहीं, नहीं, ब्रिलियंट माइंड सर, मैं मतलब पूछ रहा हूँ, मैं भी खाऊं वही चीज है। क्या बात, ये बात है। अभी अभी दिमाग, अभी कलम निकालो और कागज, अभी सुन लो क्या खाते हैं, बताइए स्वामी जी।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। साहब मैं शुद्ध शाकाहारी लेता हूँ और गौ का दूध पीता हूँ, गौमूत्र का भी सेवन मैं करता हूँ और मूत्र और गाय का दूध चाहता हूँ। अभी सुन लिया आपने, खाते हो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब आप भी अपनी डाइट प्लान कर लो। सर 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 डाइट प्लान कर लो आप। इन्हें जो बताया इसमें इन्हें कोई ऐसी चीज छुपाई है मुझसे जो ये नहीं बता रहे हैं, जिससे इनके दिमाग में ऑलफॉल ख्यालात भी आ जाते हैं। मजा आया। कोई है इनके डाइट में ऐसी चीज? कुछ है, कुछ ऐसी चीज है आपका स्वामी जिससे सोच रखते हैं, जिससे ऐसा बोल रहे हैं? कुछ है सर, आप छुपा रहे हैं? कोई आप ऐसी चीज भी लेते हैं जिससे आप उल्टी सीधी बातें सोचने लगते हैं? यार ये तो बिल्कुल एंड मोमेंट तक डिस्ट्रॉय कर देता है। जेबीएल साहब ने कहा कि कांग्रेस भी मुस्लिम पार्टी और एमआईएम भी मुस्लिम पार्टी, क्या गुनाह है मुसलमान होना? ये बढ़िया है, जुम करो। आपको शर्म नहीं आती है? आप देश की एक दूसरी बड़ी आबादी को ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम है इसलिए गुनहगार हैं? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। समझ रहे हो आप? ये दोषी हैं। आप सांसद हैं सर, आपने शपथ ली है हो सकती है इस देश में एकता और अखंडता की? एक नहीं नहीं एक देश में मुस्लिम पार्टी नहीं हो सकती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। सांसद जी साहब जवाब तो सुनिए, आपसे कम काबिल नहीं हूँ। क्या बात, ये बात है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसका यकीन कीजिए, अकाली दल पार्टी हो सकती है, शिवसेना पार्टी हो सकती है, बजरंग दल दल हो सकता है, विश्व हिंदू परिषद पार्टी हो सकती है, और आसिम वकार अगर पार्टी नहीं है, में है नहीं तो क्या अकाली दल? नहीं, अकाली दल धर्म के आधार पे नहीं बनी है। आप बोल लो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, व्हाट इज विश्व हिंदू परिषद जिसका आप समर्थन लेते हैं? देखिए विश्व हिंदू, आप आवाज ही नहीं निकली खत्म। इम्तियाज जलील ने, मैं इसमें ऐड कर देता हूं, इम्तियाज जलील ने कल हमारी रिपोर्टर से बातचीत की थी वकार साहब, और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था नाम बदल गया इसलिए भी गुस्सा है, तो उसी का बदला है क्या? इम्तियाज जलील साहब ने एक मिसाल कायम की, आपने उनकी वो वीडियो नहीं चलाई कि इम्तियाज जलील हिंदुस्तान में अकेले ऐसे नेता, अकेले ऐसे सांसद एमआईएम के जिन्होंने लाइव अपनी अपील की, अपने वीडियोस जारी किए, जो काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का था, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का था कि वो लोगों से अपील करते, वो काम इम्तियाज जलील साहब ने किया। इम्तियाज जलील साहब ने एक बात और बोली कि भड़काऊ भाषण, भड़काऊ नारे, इस पर तो ध्यान नहीं दिया आपने। अभी मैं देख रहा था बैठे हुए, ऐसा थोड़ी ना है कि अकेले राकेश पांडे जी आप हिंदू हैं, जो टीएमसी के नेता बैठे हैं वो भी हिंदू हैं। बफर कितना है कि आप सुनिए, नहीं आसिम बकार सरकार विशेष के लिए काम कर रहे हो, जो ठीक है, हर्षवर्धन जी का धर्म क्या है, रामकदम जी का धर्म क्या है, आप हिंदू मुस्लिम देखते नहीं है? मैं हिंदू मुस्लिम देखने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरा सवाल सीधा सा था, उसका जवाब अभी भी नहीं मिला। इम्तियाज जलील ने कहा इम्तियाज जलील ने कहा नाम बदल गया इसलिए भी गुस्सा, तो क्या उसी का बदला? मुझे इसका जवाब चाहिए। इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि भड़काऊ नारे लगे, आपने ये तो पूछा नहीं, अपने काम की बात, भड़काऊ भाषण भी हुआ। आपने ये भी नहीं दिखाया कि इम्तियाज जलील रात भर रमजान में राम मंदिर में बैठे रहे, ये दिखाया आपने वीडियो? ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप पास वीडियो नहीं होगा, बिल्कुल होगा वीडियो। असीम बकार, आपने अपनी बात रख दी सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने वो वीडियो, चलिए वो वहां पर चले, मतलब आपको गलत नहीं लग रहा? गलत है तो कार्रवाई कर दीजिए। आपको गलत नहीं लग रहा? अदालत चले जाइए। आपको गलत नहीं लग रहा बकार साहब? कौन रोक रहा है आपको बकार साहब? आपको गलत नहीं लग रहा? नहीं आपको लग रहा, आप अदालत चले जाइए। आपको नहीं लग रहा ना सर गलत? आपको गलत वो भी नहीं लगता था, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आप तो पुलिस हटाने की भी जरूरत नहीं है, सरेआम पत्थर बरसाएंगे। पांडे जी बात सुनिए पहले, आप पांडे जी, आपकी आवाज खराब हो रही है, गला आपका बैठ रहा है, इसका इलाज नहीं सर, मेरे गले की चिंता मत करिए सर।
असीम बकार साहब मेरे लिए मेरे स्वास्थ्य की चिंता आप मत करिए। मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है आपको, आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है? नहीं नहीं, वो आपको आपको समस्या होगी कोई, प्रॉब्लम हो रही है आपको, मेरी बिल्कुल चिंता मत करिए। उसकी हालत खराब कर दी रे। सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप इरिटेट हो जाते हैं जल्दी, आपको गुस्सा जल्दी आता है। नहीं नहीं सर, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ मेरे सवाल का जवाब के लिए। आप बात, चार मिनट में आपके पास रह गया लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मीडिया